स्कूल बच्चों की पिटाई हो रही है। या कोई निशानी होगी, देखो बस तो झंडी लगी, उस रास्ते पे निकलते रहो। देखिए हमारे सतीश भाई जी का सामान चेक हो रहा है, आवश्यकता से अधिक ले आए। बताओ बताओ क्या क्या लाए। ये क्या है यार, ये क्या है बताओ बताओ। मतलब 5 रुपए का ये सब। हाँ वो फेस वॉश। और ये क्या, ये क्या, ये देखिए, ये दूध नहीं। नर्मदे हर और आली बुर्ज के इस आश्रम से साई प्रसाद पाके हम आगे बढ़ रहे हैं और टॉक्सर यहाँ से 4 किलोमीटर बता रहे। नर्मदे हर माता जी। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। सतीश भाई पीछे आ रहे हैं। ये देखो क्या है, इनको हमसे डर रहे हैं। तो इनको जाने दो, पहले पहले इनको जाने दो, इधर आ जाओ। ये भागेंगे। स्कूल में बच्चों की पिटाई हो रही है। और ये आली बुर्ज गांव। पिछली परिक्रमा में हम भी नाश्ता बहुत लेके आए थे, लेके आए तो इसी गांव में पूरा कर दिया, यही बच्चों को बांट के। बड़ा गांव है। नर्मदे हर दादा। नर्मदे हर। अभी ये तो मेरे को भी याद नहीं यार। या कोई निशानी होगी, देखो बस तो झंडी लगी, उस रास्ते पे निकलते रहो। चलो नर्मदे हर, झंडी लगी उधर ही चलो। क्या बोलते इसको, लेके आओ क्या, इमली जैसा पता चले। वो तो नहीं है शंकर जी, समी का पेड़। नहीं समी का नहीं, समी का नहीं। लेके आओ इधर, इमली नहीं है। और इधर आली बुर्ज गांव को पार कर एक सबूतरा बना हुआ है, यहाँ पर थोड़ी विश्राम के लिए बैठे हैं। क्या है लाओ बताओ। इमली नहीं है, इमली नहीं है, इमली नहीं है। तो पता क्या बोलते हैं, रिमझा बोलते हैं। ये अंकल बोल रहे हैं इसको रिमझा बोलते हैं। रमझा, रिमझा, रिमझा, रिमझा। हाँ इमली नहीं है भाई, रीजा है, बस समझ जाओ। चलो और पीछे आली बुर्ज गांव में नर्मदा कुटीर में जो माता जी है उनका पर्सनल कोई नंबर नहीं है गूगल पे वगैरह, और अकाउंट नंबर भी नहीं है। मगर जो आश्रम की व्यवस्था देखते हैं, उनका नाम जतन भाई है, उनका नंबर दे रहा हूँ, तो उनसे कांटेक्ट कर लेना, या फिर आप स्वयं आकर भी सेवा दे सकते हैं। और इधर से हम आए आली बुर्ज गांव से, और यहाँ पर टॉक्सर 1.5 किलोमीटर बता रहा है और गौमुख आश्रम 2.5 किलोमीटर यहाँ से बता रहा है। यहाँ पर एक नाला आता है। हाँ जी जी ठीक ठीक। और मैंने आपको पिछली परिक्रमा में कई वीडियो में बताया था कि अन्य क्षेत्रों में सहयोग के लिए मुझे आप दान ना भेजें, और कुछ अंशों तक वो सही भी था। मगर आज आश्रम में जो देखा माता जी की, ऐसे बहुत से आश्रम हो सकते हैं जो साधु संत या ऐसे जो सेवा भावी है वो अपने अकाउंट भी नहीं रखते, और कुछ ऐसे जो वहाँ पे सेवा देते या सेवा करते गांव वाले उनके अकाउंट नंबर देते फिर मांगने पर। तो आप चाहे तो आप मुझे गूगल पे कर सकते हैं, इथा शक्ति, जो भी इथा सामर्थ्य 100, 200, 500, 50,
तो एक रकम जमा होने पर ऐसे आश्रमों में कैश निकाल के दे सकते, फिर जैसी आपकी मर्जी। और यहाँ से वो सामने नर्मदा मैया, किनारे किनारे ही हम चल रहे नर्मदा मैया के। और सुबह के 10 बजे हम टॉक्सर गांव में पहुंच गए, और मोटक्का से करीब 12 किलोमीटर दूरी पर है टॉक्सर, और यहां से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर गौमुख कुंड है। नर्मदे हर, और ये राम जी मंदिर पिछली परिक्रमा में बंद रहा था और अभी भी बन ही रहा है। यहाँ से गौमुख 1-1 किलोमीटर है। क्या नाम है आपका? संदीप भारे राव। संदीप जी, चलो चलो, कब उठाई परिक्रमा? कल ही। कल ही? कहाँ से आए? कहाँ से? पूना से। पूना से। आपका फोटो ले लीजिए। फोटो ले लीजिए। और यहाँ पर टॉक्सर में हमारे देखता हूँ मैं, सिंपल मार के एक पुलिस के मिले। और 10:30 बजे हम टॉक्सर गाँव को पार कर गौमुख आश्रम पहुँच गए, और ये है गौमुख आश्रम। और यहाँ पर गुप्त गोदावरी मैया भी बहती है गौमुख से, और इसीलिए इसका नाम गौमुख घाट है। देखिए हमारे सतीश भाई जी का सामान सेक हो रहा है, आवश्यकता से अधिक ले आए। बताओ बताओ क्या क्या लाए? चश्मा है। ये क्या है यार? ये क्या है? बता बता। मतलब 5 रुपए का? हाँ वो फेस वॉश। और ये क्या? ये क्या? ये देखिए, ये दूध नहीं है, ये मालिश का तेल है। हाँ, मालिश करने वाला तेल है। और दवाई दवाई क्या गई? दवाई कही गई? ये क्या? कपड़े लटकाने के लिए। और ये की दवाई 1 किलो। और ये 300-400 ग्राम का टमाटर। ये नहीं। अरे हुतरी, अरे हुतरी हुतरी। और वो एक्स्ट्रा मोजे, ये तो देगा यार, काम नहीं थे आइटमों करने। ये भी वजन वाले है, तेरी वजन। और बहुत सारा तो खाली कर दिया रास्ता, नाता तो पूरा हो गया क्या? और टोपी, दो दो तीन तीन तो टोपी है। आई रे टोपी, देखो 3 टोपी। ये बॉक्स ले। और ये पता नहीं, मसाला वाली है। सब काम का रहने दे, वो तो काम की चीज, काम की चीज रहने दो उसको, काम की चीज। फालतू वो निकालो, पावर बैंक। पावर बैंक दो दो पावर बैंक बोलो। पावर बैंक को रखने के लिए भी ये लिया है उन्होंने, वो भी वजन बढ़ रहा है। मतलब फूल जाप्ता करके आए। और बहुत सा नाश्ता खाली किया। नाश्ता कितना था? 5 किलो नाश्ता।
मेथी के लड्डू वो बाबा जी को दे दी, डेढ़ किलो मेथी के लड्डू, ये डेढ़ किलो वाली है अपने से हल्की नहीं पा रहे हैं। ध्यान रखो रे भाई, इतना मत लाओ, सतीश भाई की तरफ परेशान हो गए। 200 ग्राम काजू और 200 ग्राम बादाम लाए थे, तो काजू हमने यहाँ खाकर पूरे कर दिए। बादाम रखी है अभी, उसको देख दे कल बल। तेल का क्या करेंगे? तेल इतनी मालिश तो पूरे परिक्रमा वासियों की हो जाएगी। 11:30 बजे और यहाँ पर अभी पात्र धो के भोजन के लिए जा रहे हैं, भोजन प्रसाद के लिए। और हॉल ये बहुत बड़ा है मगर थोड़ी साफ सफाई का अभाव है। और ये आश्रम परिसर है, झूला है झूलने के लिए। हाँ झूला भी है, हाँ तो झूलो फिर। हाँ पहले भोजन कर लो। हाँ पहले या बाहर बिठा के करवाते थे, अभी भोजन कक्ष बना दिया है। हाँ और इस तरफ से मंदिर अभी दर्शन। उत्तमेश्वर महादेव, गौतमेश्वर महादेव, उत्तमेश्वर। हाँ और ये रहा घाट, बस एक नीचे जाने की जरूरत नहीं है, ये घाट है। झोमो घाट। लील वाला है, थोड़ा लील वाला है। ये है नीलकंठेश्वर महादेव, यहाँ पर बैठा हुए हैं। और ये गौमुख, यहाँ से अविरत धारा बहती रहती है कई वर्षों से। ये पानी ऑटोमेटिक आता है और ये गुप्त गोदावरी से बोलते हैं, गोदावरी का पानी आता है। मतंग ऋषि की गुफा है, कैसी है गुफा? नील गंगा कुंड कुछ नहीं है, वो नाम है मातंग ऋषि की गुफा पर अंदर कुछ नहीं है। और ये भैरव दादा वहां से शिव जी के जैसे दिख रहे हैं। यहाँ आने के बाद पता चला ही भैरव दादा, क्योंकि भैरव दादा भी शिव जी के एक रूप है, रुद्र रूप। यहाँ उनके पास स्वान बैठे हुए हैं। जय महाकाल। इस तरफ अड़काई माता जी का मंदिर है।